नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, आज जैसे कि मैंने अपना ये पोस्टर डिज़ाइन करके लगाया है जिसमें लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी रिज़ल्ट अपडेट और कब आ रहा है रिज़ल्ट, और इसमें एक आदमी जो है बैठा हुआ सोच रहा है। वही हिसाब इस समय हर स्टूडेंट्स का है। हर स्टूडेंट को इंतज़ार है कि उसने जो मेहनत करी है उसका फल उसे कब मिलेगा, उसका रिज़ल्ट कब आएगा। और सभी यूट्यूबर्स जो हैं एक एक्सपेक्टेड डेट देते हैं कि भाई इस डेट तक आ सकता है रिज़ल्ट, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट तो एक एक्सपेक्टेड डेट होती है। फाइनल डिसीज़न तो जो आपको पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेना है, और अभी तक रिज़ल्ट की कोई बिल्कुल कंफर्म अपडेट नहीं आई है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी मैं भी एक आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों 10 मई तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग इंतज़ार में लगे पड़े हैं सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट की अपडेट के। लेकिन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को भूल रहे हैं, उसको पहले तैयार रखिए ताकि जब रिज़ल्ट आए तो आपको जितना भी समय मिले उतने समय में आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके सीधे सीधे अपनी जॉब के लिए पहुंच जाएं। और दोस्तों, कट ऑफ मैंने आपको बताया था 192 से 193 तक जाएगी। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खाली इसकी रिज़ल्ट के चक्कर में मत बैठे रहो, और भी जो गवर्नमेंट जॉब इस साल बहुत सारी निकली हैं, क्योंकि चुनावी साल था तो बहुत सारी भर्ती निकली हैं, उनकी तैयारी में भी लगे रहो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।